नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। आज अमृतसर के इंडिया गेट से पूर्व सर्विस मैन की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर तक एक पद यात्रा की शुरुआत की गई। मकसद है भारत सरकार को पूर्व सैनिकों को आ रही मुश्किलों से अवगत करवाना, और जो पूर्व सैनिकों को पेंशन मिलती है वो काफी कम है, जिसके चलते उनका गुजारा नहीं हो पाता। आइए सुनते हैं वीर बहादुर सिंह, राष्ट्रीय संयोजक, और बीके झा को। हम लोगों को यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर से दिल्ली तक जंतर मंतर तक की यात्रा करने का मात्र उद्देश्य है सरकार को जगाना कि हमारा जो हिस्सा है फौज में, हमारे साथ अधिकारीगण बहुत बुरा बर्ताव कर चुके हैं, और अभी जो हैं जवान उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। एक अधिकारी की तनख्वाह अगर ज़्यादा होती है ये बात समझ में आती है, लेकिन एक इंसान के अंग की कीमत वही होनी चाहिए जो दूसरे इंसान के अंग की कीमत होनी चाहिए। इसलिए जब फौज में इंसान को भर्ती किया जाता है जवान के रूप में, उस समय उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, और इसके बाद हम जब अंग भंग हो जाते हैं तो एक डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है, अपंगता पेंशन। इस मामले में अफसरों को बहुत ज़्यादा मिलता है, हम तनख्वाह के लिए चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपंगता पेंशन कम से कम एक बराबर होनी चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन होनी चाहिए एक बराबर, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम देश के आज़ादी के 68 साल बाद भी हमारे जैसे जवानों के साथ भेदभाव हो रहा है। हम सेना के में थे तब भी भेदभाव फेस किए, और बाद में आए तब भी भेदभाव किए। हम इस भेदभाव के खिलाफ, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, हम लोग यहाँ से दिल्ली तक पद यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिसमें है कि मिलिट्री सर्विस पे है, हम सबसे ज़्यादा ईंट खाते हैं, गोली खाते हैं, दुश्मन को फर्स्ट गोली हम ही फेस करते हैं, फ्रंट पे हम लगते हैं, हमारी लाइफ कठिन है, और जो MSP दिया गया है कठिन जीवन के लिए दिया गया है, सैन्य कठिनाई को देखते हुए दिया गया, लेकिन अफसर 10,000-15,000 से ज़्यादा ले रहे हैं, नर्स 10,000 से ज़्यादा है, और 5,200 हमें देकर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर वक्त वक्त पर प्रदर्शन करते रहते हैं। यह थी अमृतसर से हरदेव वाला की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।